अरे सर मैं ये देखो नहीं बैठ के नीचे बैठ वाह पूरा लीन होंगे उसकी पोस्ट प्रोडक्शन में सो आई जस्ट सेंट हिम की एक फिल्म बनाए हैं उसके लिए आप मैं चाहता हूँ आप ही उसका श्री गणेश करें तो उन्होंने तुरंत तब तो हम लोग ऐसे ता तू कितने आ तू ऐसे भी हम लोग में और तीज भाई आ गए थैंक यू सो मच थैंक यू भाई और मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए कुछ नाम नहीं प्रदीप काबरा जी कुछ नाम टाइगर हैं टाइगर के भाई राजू बहुत सारे नाम और कुछ लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए अगर नाम नहीं लिए आप सब लोग दिल में रहते हैं हमारे आप लोग आए हैं मेरा जन्मदिन है मीडिया का स्वागत सबका स्वागत अब तीशु भाई के हाथ से श्री गणेश करते हैं हम लोग आप कुछ और लंबा बोल रहे होंगे अच्छा मैं सिर्फ और सिर्फ कि ये देवों की धरती भगवान की धरती यहाँ ऋषि मुनि पैदा होते हैं और हिंदुस्तान है लोग कुछ गंदे लोग अपनी हवस में इसको बदनाम क्यों करना चाहते हैं एंड व्हाई सो दैट वाज बॉदरिंग मी एंड आई मेड दिस फिल्म सो दिस इज व्हाट यू हैव कम हियर फॉर कि ये वो फिल्म है और उसका आप श्री गणेश कर रहे हैं आपके हाथों होगा और ये भगवान ने साथ दे दिया इस तरह का सिनेमा तो भोजपुरी में इसी मुद्दों को लेकर अब आगे भी सारी फिल्में बने जी के साथ हमारी सात फिल्मों का डील क्रैक है आई हैव टू मेक सेवन फिल्म्स फॉर देम सो अब मैं अपने मुद्दे वाली फिल्में अपने मन का सिनेमा बनाने की कोशिश करें टाइगर कुछ बोलना चाह रहे हैं ठीक है ठीक तो कैसे दिशु भाई स्वागत है आप मैं चाहूंगा दो शब्द दिशु भाई जरूर बोल रवि दोस्त है छोटा भाई जैसा है उन्होंने पूरे पहले साथ में की थी उसके बाद क्योंकि लखनऊ थे बनारस इधर हुए तो हम लोग में बहुत सारी चीज़ें मैं भी इलाहाबाद का हूँ तो कॉमन फैक्टर्स बहुत है जुड़ने के दूसरे के साथ उसने जब मुझको ये फिल्म बन चुकी है कि रिलीज पे है कि बन चुकी है भोजपुरी सिनेमा जो कि एक्चुअली नॉर्थ इंडिया का मेन सिनेमा हुआ करता था एक टाइम पे अगर आप सारी बड़ी फिल्में देखे उठा के गंगा जमुना से लेकर के लगान तक ये सब देश भाषा हमारी नॉर्थ की भाषा है सारी बहुत कुछ भोजपुरी अवधि ज्यादातर अवधि है वो सिनेमा सडनली बैकसीट पकड़ लेता है और एनआरआई सिनेमा पड़ जाता है और अजीब किस्म का अपने जो जो रियल हिंदी सिनेमा था वो छूट जाता है फिर ये अच्छी बात है कि रीजनल सिनेमा भोजपुरी ने इसको आगे बढ़ाया लेकिन उसकी सूरत बदलते हुए देखी मैंने इसका जब मैंने प्रोमो देखा मैंने कहा ये बात है कि हम लोग सिर्फ वो बढ़ती ना करें बहुत बड़ी जनता है जिन पे जिनको बहुत सारी कहानियां सुनानी है अलग ढंग से सुनानी है और एक देश भाषा है सबके दिल की भाषा है तो मैं रवि को और इस फिल्म से जुड़े पूरी कास्ट एंड क्रू को मेरी बहुत बहुत बधाई आप लोगों ने बहुत बोल्ड स्टेप लिया है प्रोड्यूसर्स को सबको प्रोड्यूसर बनाती है जी को सबको कि ये प्रयास और ये प्रयास सफल हो जाएगा तो बहुत मजा आएगा मतलब शायद मेरी भी हिम्मत बढ़ जाए कुछ करने की कोशिश मेरी लैंग्वेज ये है तो मेरी लैंग्वेज तो बहुत अच्छा प्रयास को सबको सफलता मिले ऊपर वाला खूब बड़ी हिट बनाया ताकि लोगों को ये हिम्मत बने कि कुछ अलग सिनेमा करना है भोजपुरी में भी बस यही कहना चाहूंगा थैंक यू सो मच पुष्प पुष्प दे के मैं चाहूंगा कि रवि किशन जी मैं गुजारिश करूंगा श्री अमित शाह जी का जो ओरिजिनल हिंदी स्पीकिंग हेड है बिग गंगा के वो मंच पे आए और आज के हमारे राजीव जी राजीव मिश्रा जी जो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं बिग गंगा के एंड शुभा श्रीनिवासन जी से इफ शी इज देयर इन
ओके अरे थैंक यू वो भूल ही गए रात के शाम का खेल है वो मैं अरे संकीत रोगा के तमाम कास्ट श्री मनोज टाइगर जी से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पे आए संकीत रोगा जी की अपनी जो कास्ट है मैं गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज मंच पे आए ताकि हम म्यूजिक जो यहाँ मौजूद है संकीत रोगा के और भी जो कास्ट है जो हॉल में मौजूद है आइए दुर्गा दादा आप लोग सब लोग आइए भाई सब लोग का ये खेल है आओ आओ हाथ दो भाई मौका मौका है आओ सब लोग हमारे साथी हो सब लोग आओ जो मेरे साथी है सब आए आओ आओ मजा लो सब लोग आओ काम काम करो सही जो बारी बारी सब लोग हाथ लगा के जाओ दोस्तों गेस्ट से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी जगह ले ताकि हम आगे के पॉप सवाल कौन पूछूंगा सर जानना चाहूंगा आज जन्मदिन है क्या कहना चाहेंगे पहली बार का मुलाकात एक कलाकार के तौर पर और यू नो एज इंडिविजुअल कैसे मुलाकात तो रवि से सबसे पहले उनको मैंने स्क्रीन पर देख के भी और उसके बाद एक दो दोस्तों के यहाँ ऐसे ही और फिर जो एक आत्मीय मुलाकात जिसे कहते हैं और वक्त जिसमें ज़्यादा गुजरा वो तब जब हम लोगों ने फिल्म की साथ में बुलेट राजा तब काफ़ी साथ में रहे हम लोग और अब क्योंकि उसमें रवि विलेन कर रहा था रवि ने कहा यार जब क्लाइमैक्स था तो कहता है कि यार ये तो इस तरह के डायलॉग अब नेचुरली विलेन है तो मार खाएगा हीरो से क्या मैंने आज तक इतनी फिल्में की भोजपुरी में कभी इस तरह की सिचुएशन मेरी आई नहीं कि मैं तो फिल्म में हीरो करता हूँ तो मुझको हमेशा याद रहेगा वो मोमेंट की एक हीरो जो विलन कर रहा है उसको उस तरह की सिचुएशन और उस तरह के डायलॉग बोलने को मिल रहे हैं तब से लेके अब तक हम लोग रवि और मैं काफ़ी जब भी कुछ होता है जन्मदिन वो भी कैंसेरियन है मैं भी जुलाई में पैदा हुआ हूँ 3 को तो हम लोग उसके हिसाब से भी एक बहुत हमेशा उसको जन्मदिन पर मिलना जुलना तो होता ही फिर ये फिल्म उसने जो बनाई है सन की दरोगा इसका ट्रेलर लॉन्च और मुझे उसने भेजा प्रोमो देख के मुझे इतनी खुशी हुई कि एक ऐसे मुद्दे को जो कि इतना ज्वलंत मुद्दा है पूरे हमारे देश में जो और बढ़ता ही जा रहा है हर रोज़ अखबार में 2 या 3 खबरें बलात्कार की और एक क्रूर बलात्कार की जो जिस तरह की खबरें सुनने में आ रही हैं जो कि दिल दहला देने वाली हैं उस इशू पे फिल्म बनाना मुझे बहुत अच्छा लगा कि भोजपुरी सिनेमा जो कि इस तरह के इशूज़ सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरफ भोजपुरी सिनेमा का एक झुकाव रहता है उससे हटके है कमर्शियल जोन में है पूरी कमर्शियल जोन में है एक्शन पिक्चर है लेकिन एक इशू को लेके है और तो मुझको लगता है ऐसी फिल्में भोजपुरी में और भी बननी चाहिए जिससे भोजपुरी फिल्मों की सूरत बदल सकती है सर बॉलीवुड को तो काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया आपने अगर भोजपुरी में आपको कोई योगदान देने को करने ऐसा फिल्म मेकर एज एन एक्टर तो क्या मतलब आप अपना टाइम निकाल के भोजपुरी इंडस्ट्री में योगदान देना चाहेंगे 100% अब भोजपुरी जब आप भोजपुरी बोलते हैं सिर्फ मुझको भोजपुरी वो लैंग्वेज नहीं वो पूरी उस ईस्टर्न यूपी बेल्ट की जो सारी लैंग्वेजेस हैं चाहे वो अवधी हो अब मैं क्योंकि इलाहाबाद का हूँ तो मेरी अवधी से मेरा ज़्यादा मेरी को ज़्यादा समझ में आती है भोजपुरी कोई ऐसे बहुत ही तेज़ बोलता है तो मुझको एक्चुअली कभी कभी भोजपुरी समझ में ही नहीं आती है तो लेकिन हाँ अवधी पे कुछ करना हो ये करना जिस लैंग्वेज को मैं पहचान पाता हूँ समझता हूँ मैं डेफिनेटली करूँगा और किया भी है अब मानसिंह तोमर बुंदेली थी कौन सी हिंदी पिक्चर थी वो बुंदेली पिक्चर थी कही है तो गंगा जमुना हमारी अवधि पिक्चर थी शोले भी अवधि थी लगान भी अवधि थी ये सब बड़ी बड़ी जो सुपर डुपर हिट फिल्में हैं सब देशज भाषाओं की जो फिल्में हैं और तो जनरल मासेस का जो मेंटेलिटी है सब स्टैंडर्ड का है कहीं कहीं भोजपुरी लैंग्वेज की उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो तो मेकर्स को कुछ करना पड़ेगा इसके लिए उनको ही एक उनका विवेक जागेगा तो कुछ चेंज आएगा वो चेंज करना चाहिए सिर्फ ऐसे घबरा के फिल्म नहीं बनानी चाहिए कि भोजपुरी फिल्में जो हैं सिर्फ एक लोअर क्लास के लोग देखते हैं और
भोजपुरी सिनेमा को अपर क्लास तक मल्टीप्लेक्स में लाना पड़ेगा और लाया जा सकता है बहुत आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप संकी दौड़ा था सीमित रहे थे, मेरी तो 27 तारीख को रिलीज है साहिब बीवी गैंगस्टर पार्ट 3। संजू काफी हिट हुई है, संजय दत्त ने उसमें संजय दत्त का उन्हें कितना बड़ा देखिए, जब पिक्चर शुरू की थी तब संजू का कोई रिलीज है उससे कोई हमको पता भी नहीं था कैसे होने वाला है कि हमारी फिल्म तभी कंप्लीट हो पाएगी, हो रही होगी जब संजू रिलीज होगी, तो इतनी बड़ी गणित तो नहीं लगाया था कोई, तो वो तो नहीं लगाया था। बट एक पूरी जनरेशन है जो संजय दत्त को जानेगी संजू से, जिन्होंने संजय दत्त की फिल्में नहीं देखी हैं क्योंकि वो तो 90s के थे, उसके बाद के जो अभी 15-16-18 साल के बच्चे हैं उन वो वाकिफ होंगे संजय दत्त और उनके काम से। बहुत अच्छा, आई थिंक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है रवि को कि वैसे 7 फिल्मों की डील जो क्रैक की है उसने जी के साथ, और दोनों का तारतम्य में बैठ गया बिकॉज जी इस वक्त रीजन सिनेमा में रियली डूइंग वेल, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत फिल्में उनके हिट हैं, उनको शायद एक्सप्लॉयट करना रीजन सिनेमा को इससे बेहतर कोई जानता नहीं है, जितना अच्छा समझती है इस बात को। तो उसका जी का और रवि का जो ये एसोसिएशन है, आई एम श्योर रवि एक समझदार आर्टिस्ट है, वो अच्छी फिल्म बनाएगा, साथ की साथों अच्छी फिल्म बनाएगा और कुछ उनको फिल्म में आवाज़ करेंगी, चलेंगी चलेंगी भी और कुछ नया भी कहेंगी। और कहानी बहुत अच्छी है, बहुत ही हार्ड हिटिंग है, मुझे वन लाइन सुन के इतना अच्छा लगा था। ऐसी फिल्में बने और सच्ची में ऐसे दरोगा लोग हों तो लड़कियां बहुत सेफ फील करेगी हमारे देश में। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू द होल टीम और बहुत सारी बेस्ट विशेस, आई होप इट डज वंडर्स ऑन बॉक्स ऑफिस, थैंक यू। आपके दोस्त रवि किशन जी का सबसे पहले तो आज जन्मदिन है, किस तरह से विश करना चाहते हैं आप? हम लोग बहुत शुभकामना दिए हैं उनको और हम चाहते हैं कि जो फिल्म आज ट्रेलर हम लोगों ने देखा सनकी दरोगा, ये खूब सफल हो फिल्म, और एक बहुत ही अच्छे मुद्दे पे इन्होंने फिल्म बनाई है सनकी दरोगा, समाज से बलात्कारियों को मिटाने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया है वो सफल हो। तो अगर फिल्म सफल होती है तो आगे और बहुत सारी फिल्मों के लिए रास्ता बन जाता है, तो हम यही शुभकामना देते हैं और भैया स्वस्थ रहें, मस्त रहें, वो हमेशा रहते भी हैं, यही बस उनको बहुत सारी बर्थडे विशेस और ऐसे ही उनके नाम के आगे और बड़े बड़े स्टार, मेगा स्टार तो है ही, और बड़े बड़े स्टार उनके नाम के आगे लगते रहें और वो हमेशा ऐसे ही खुश रहें, चहकते रहें और हमेशा ऐसे ही जिंदा दिल रहें, यही दुआ है उनके लिए। दिनेश जी, टेप जो सजा है उसके लिए बहुत सारे तब्दीलियां की गई हैं, जुबिनाइल एक्ट में तब्दीलियां की गई हैं, बाकी चीजों में तब्दीलियां की गई हैं, निर्भया कांड में फांसी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी है, क्या सबसे बड़ी सजा हो सकती है एक बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले को? वो सजा भैया ने इसमें दिया है सनकी दरोगा में, पहले सीन में ही सीधा काट ही लेते हैं, ये फिल्म जब आप देखेंगे सनकी दरोगा तो सीधा सनकी दरोगा ने काट लिया, बस यही सबसे बड़ी गला काट दिया, गला नहीं जो काटना चाहिए था वही काट दिया। आई थिंक ऐसे लोगों की मतलब नहीं, अच्छी सजा दिया उन्होंने बहुत, हाँ बहुत दरिंदगी से ये लोगों को मरना चाहिए, मतलब कीड़े की मौत, कुत्ते की मौत, जो भी बोला जाए वैसे मरना चाहिए ये लोगों को, तो इसके लिए जो भी सजा हो जिसकी वजह से लोग ऐसे मर पाए रेपिस्ट, तो वो सजा मिलनी चाहिए। आई थिंक रवि जी ने सही सजा दी है फिल्म में। फांसी छोटी सजा है मतलब? मुझे लगता है छोटी सजा तो नहीं है, पर उस व्यक्ति को उतना ही तड़पाया जाना चाहिए जितना एक बच्ची को तड़पना पड़ता है, रेप जिसके साथ होता है वो सिर्फ उसके शरीर से नहीं, उसके रूह से, उसकी आत्मा से, तो ऐसे बच्ची को या ऐसे औरत को पूरा जीवन तड़पना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि फांसी तो दे देंगे तो एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा, उसे भी तड़पा के ही मारना चाहिए।
अमरपाली जी, एक लड़की जिसके साथ रेप होता है उसे भी हमारा समाज गुनहगार की तरह ट्रीट करता है, क्या आपको नहीं लगता कि उसके लिए हम सबको और ज्यादा सोशल कॉज के साथ ऊपर आना चाहिए ताकि इस तरह की फिल्में हो और ऐसी चीजें रुके? आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, बहुत बहुत जानने वाले हैं, आए दिन हम लोग लोगों को देखते रहते हैं रेप विक्टिम्स के एनजीओज के साथ और उनके लिए लड़ते हुए। बहुत सारे वकील हमारे देश में ऐसे हैं जो ऐसी लड़कियों के लिए फ्री में केस लड़ते हैं। आई थिंक ऑलरेडी सही दिशा पे लोग बढ़ चुके हैं और हम सब अपने लेवल पर जितनी मदद कर सकें और जितना इस बारे में बात कर सकें, जितना लोगों को सेफ फील करा सकें, वो बहुत अच्छा होगा और करना चाहिए हर किसी को। आई थिंक ये फिल्म बहुत बहुत कॉन्फिडेंस देगी लोगों को, संकेत और होगा। मैंने जो ट्रेलर देखा और मैंने कहानी भी सुनी है, बहुत अच्छी कहानी है, तो ऐसी फिल्में और बननी चाहिए। जैसे ही मौका मिलेगा, क्योंकि मैं तो हमेशा ये चाहता हूँ कि अच्छे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिलता रहे, तो रवि भैया हमारे इंडस्ट्री के सबसे अच्छे कलाकार हैं, तो उनके साथ जब भी मुझे मौका मिलता है मैं सहर्ष तैयार रहता हूँ, आगे जब भी मौका मिलेगा मैं करूँगा। सर, एक तारीख को एक फैसला आया है कि सिनेमा घर पे जो 250-300 रुपये लिया जाता है खाने की चीज़ों का, वो एमआरपी मिल गया, आपका क्या रिएक्शन है इसके लिए, कितना अच्छा होगा बोलने के लिए? इसकी जानकारी नहीं, मुझे थोड़ा फिर से बताइए प्लीज। 250 रुपए का जो पॉपकॉर्न था वो सेम प्राइस 25 रुपए में मिलेगा, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि जो दर्शक नहीं जा पाते थे कुछ खाने के लिए, कितना अच्छा हो जाएगा बॉलीवुड, कितना आगे जाएगा इसके इस बारे में? इस बारे में जानकारी नहीं है हम लोगों को, बट अच्छा है, कहीं पे भी अगर बहुत महंगी चीज थोड़ी सस्ती हो जाए तो बहुत अच्छा है। उससे भी ज्यादा अच्छा हो जाए कि 200 में ही बेचिए, पर वो जो पैसा है वो अगर किसान तक पहुंच जाए जो उसको उगाता है, बड़ी मेहनत करता है, तो बुराई वहाँ नहीं है कि कोई चीज़ महंगी बिकती है, खाने पीने की चीज़ जो किसान उगाते हैं उन तक वो पैसा नहीं पहुंच पाता है, वहाँ से तो सस्ते में ही आता है, वहाँ तो 2-4 रुपये में वहाँ से खरीद लेते हैं, पर यहाँ ला के 200 में बेचते हैं, तो मुझे लगता है 200 नहीं 300 में बेच लीजिए चलेगा, पर वो पैसा किसान तक पहुँचाइए, किसानों से ही जब खरीदते हैं तो उसी समय उसको भी आप जितना ले रहे हैं उतना वहाँ दे दीजिए, तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होगा। 200 रुपये की टिकट है और पॉपकॉर्न 250 रुपये का, ठीक है, कोई बात नहीं, अरे चुप तो हो जाता, अच्छी बात है। मैं तो वही कह रहा हूँ कि खाने पीने की चीज़ें जो लोग उगाते हैं, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो खाने पीने की चीज़ महंगी बिके इसमें कोई बुराई नहीं है, पर वो पैसा किसान तक पहुंचे, मैं ये कहना चाहता हूँ। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा और एक ऐसा कॉज पे फिल्म बन रही है जो बहुत ज़रूरी है लोगों को अवेयर करना, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में हर 3 मिनट में एक रेप होता है जो हम सबको पता है, और पिछले काफ़ी महीनों से बहुत सारी बच्चियों के साथ जो वारदातें हो रही हैं और हमारी जो इंडस्ट्री उसके लिए आगे आती है, ये बहुत अच्छी बात है। और रवि जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक उन्होंने इस मैसेज पे एक फिल्म बना के लोगों को बताना चाहिए, और क्योंकि यूपी बिहार जो जगहें हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ के ऊपर फिल्म बनाई, तो मैं बहुत खुश हूँ। और रवि जी डेफिनेटली इज़ अ फ्रेंड और मेरी तो पहली फिल्म से मेरे साथ हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ और मेरी बेस्ट विशेज हैं, क्योंकि आज उनका जन्मदिन भी है, तो उन्होंने अपने बर्थडे के दिन इतने बड़ी एक चीज़ को फिल्म बनाकर हमारी ऑडियंस को अवेयर करने की कोशिश की है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मदिन है, जोरदार तालियां। और बार बार हम ये दुआ करते हैं कि रवि जी ऐसे स्मार्ट रहो, हैंडसम रहो, और आप भोजपुरी के सलमान खान हो, जिसको देखकर हम सब लोग बहुत मतलब एक होते हैं यार, इनकी जैसी बॉडी बनाए, तो रवि जी के लिए बहुत बहुत दुआ है हमारी। और सनकी दरोगा का आज ट्रेलर लॉन्च है, हम लोग आए हैं उसकी पार्टी पर, और हम लोग की दुआ है कि फिल्म बहुत अच्छी चले, बहुत सक्सेस हो, क्योंकि हमने उसमें बहुत मेहनत किया है, और हम दोनों हमारे दोस्त हैं पप्पू यादव, हम दोनों ने बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की है। पप्पू जी कुछ भैया सर जी, भैया बहुत अच्छी पिक्चर है, और इसमें जो है एक अलग ढंग
एक अलग तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें मैं नहीं बोलता, मेरा डमरू बोलता है और बहुत ही अच्छी पिक्चर है। ये समाज के प्रति, देश के प्रति, प्रदेश के प्रति एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा। जो रवि भैया जो है ये पिक्चर बनाए हैं और बहुत ही ढांसू पिक्चर है और बहुत बेहतरीन पिक्चर है। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि ये पिक्चर जो है अगस्त में रिलीज होगी और आप लोग इसको देखें। ढेर सारा आशीर्वाद भगवान की, आप लोगों को अच्छा लगा उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि मुद्दा होना चाहिए फिल्म में, अभी जैसे कोई भी फिल्म अभी मैसेज ड्रिवन, थोड़ा सा संदेश भी होना चाहिए। एंटरटेन करिए लेकिन थोड़ा सा सोसाइटी के लिए भी कुछ करिए। और ज्वलंत मुद्दे बहुत हैं हमारे देश में, उसको अगर आप छूते हैं तो थोड़ा लोगों को अच्छा लगेगा। मेरी चॉइस इस तरह की फिल्म ज़्यादा है। मेरी अगली फिल्म है रगड़ता बिहार, वो दारूबंदी के बाद क्या एक सटायर है कि क्या होता है वो है। और एक फिल्म हमारी लीची, एक छोटी बच्ची की कहानी जिसका नाम लीची है, कि एक लड़की, मतलब लड़की पैदा होती है तो वो बोझा नहीं है। तो ऐसी कुछ कहानियां हैं मेरे जहन में भी बहुत अच्छी अच्छी। और चूंकि अब जी के साथ हमारा टाइप हुआ है, हमको उनको अच्छी अच्छी फिल्में देनी है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छी अच्छी फिल्में बनाएँ। हाँ, बहुत सारे हैं। जैसे निर्भया कांड ने हमको ज़्यादा झंझोड़ दिया था, लेकिन ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, ऐसी बहुत सारी निर्भया और रोज़ हो रही हैं। अभी मैं शायद आपसे बात कर रहा हूँ और कहीं बलात्कार हो रहा होगा, तो ऐसे रोज़ जो कहानियाँ या टेलीविज़न पे, अखबार में, ये मुझे बहुत तकलीफ देते हैं चूँकि मेरे बच्चे भी हैं। तो वो सारी पीड़ाएँ हैं इसमें, न जाने बहुत सारी कहानियाँ हैं और ये सच्ची घटनाओं से हम लोग प्रेरित हुए हैं। एक पर्टिकुलर घटना हम नहीं हिट करना चाहते, ना मैं आप लोगों को उसके सामने अभी रिवील करूँगा। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये घटना कौन सी थी। इसके लिए जिम्मेदार मुझे लगता माता पिता, पालन पोषण गुरुजी हैं। जहाँ पे अगर बेटा, सब लोग बेटियों को सीख देते हैं कि बाहर मत निकलो, 7 बजे के बाद नहीं निकलो, रात को मत निकलो, कोई अब माँ बाप ये या कोई गुरु ये अपने बेटे को, लड़कों को ये नहीं बोलता कि पर नारी को या पर स्त्री को गलत नज़र से मत देखो, दूसरी की स्त्री है ये, दूसरी की बच्ची है ये, पाप है। ये घर से ही शुरू होता है, पालन पोषण से ही मेन प्रॉब्लम है। तब ये, जब तक ये पालन पोषण, ये इस पर अंकुश नहीं होगा कि हम बेटों को ना समझाएं, तब तक ये बलात्कार होते रहेंगे। सजा को लेकर हमेशा बहस होती रही है कि बलात्कारियों को सजा कौन सी दी जाए। आप तो उस निरहुआ कह रहे थे सर्किट दरोगा के पहले सीन में, आपने कोई सजा दी है? मैंने बहुत गंदी सी सजा दी है, मैं अभी वो रिवील नहीं करना चाहता। बहुत ही क्रूर सजा दी है और उसके लिए मुझे पुलिस, फिर मुझे कानून भी हाथ में लेना पड़ता है पुलिस फोर्स में रह के। वो कहानी का मेन मुद्दा मैं वो आपको अभी नहीं बता सकता, बट यस मुझे कुछ स्टेप लेने पड़े थे और वो स्टेप कभी कभी लेना पड़ता है। उसके लिए शायद मुझे पुलिस की नौकरी से भी हाथ धोना पड़े, ऐसी कुछ कहानी में है जो आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न है इस फिल्म में, बट मुझे लगता निर्भया के दोषियों को, निर्भया बच्ची के दोषियों को फांसी की सज़ा हो गई, हैंग टिल डेथ, मैं बहुत खुश हुआ। और इसी तरह एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए जो सिर्फ बलात्कारियों के लिए होना चाहिए इस देश में, जहाँ पे सिर्फ बलात्कार के मुद्दे को तुरंत एग्जीक्यूट किया जाए और उनको, दोषियों को तुरंत सजा, और फांसी से कम सज़ा नहीं होनी चाहिए। बलात्कारी वो 8 महीने की बच्ची के साथ कर रहा है, 6 साल की बच्ची, 18 साल या 35 साल या 60 साल की, किसी के साथ भी बलात्कार हो रहा है उसके मुजरिम को, मुझे ऐसा लगता है रवि किशन को, कि उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और कोई सजा नहीं, सिर्फ फांसी। स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि बहुत सारे बलात्कार के ऐसे मामले हैं जिनमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जहां पर जो कल्प्रिट है, जो आरोपी है, वो खुद माइनर है, 12 साल 14 साल का है, क्या उसे फांसी की सजा दे दी जाए? यस यस, कोई भी हो आरोपी, अगर 14 साल का भी हो, 15 साल का हो, इतनी बुद्धि है जब वो रेप करना सोच रहा है तो फिर उसका वो आदमी नहीं, वो बालक नहीं रहा, वो पूरा बालिग हो चुका है, तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए। अगर वो रेप के कांड पे जा रहा है
तो उसको 100% सजा मिलनी चाहिए, उसकी उम्र 14 हो, 12 हो और 16 हो, उसमें कोई वो भय जब तक क्रिएट नहीं होगा, ये बलात्कार इतने पवित्र हिंदुस्तान में, ये धरती इतनी देवी देवताओं की धरती है, मैंने आपने ट्रेलर में देखा ऋषि मुनियों की धरती है, और ये कुछ हवस के ये जो दरिंदे हैं इसको बदनाम करना चाह रहे हैं। हमारा नाम देश के बाहर बहुत बिगड़ रहा है, फॉरनर टूरिस्ट आने से डरते हैं कि नहीं ना गोवा में रेप हो रहा है, ना यहाँ रेप हो रहा है, वहाँ हमारी इमेज कुछ गंदे लोगों की वजह से खराब हो रही है, और वो कुछ है, लेकिन वो कुछ को भय पैदा करना बहुत जरूरी है, और ये फिल्म देख के तो बहुत सारे लोग डर जाएंगे। ये जो अभी आपने राज्य में जब चलाऊंगा तो इसे क्या कहके चलाऊं, अभिनेता रवि किशन ने कहा, नेता रवि किशन ने कहा, या हिंदुस्तानी रवि किशन ने कहा? हिंदुस्तानी रवि किशन ने कहा, जो अपने भारत को, अपनी धरती को प्यार करता है। ये अगस्त में हम रिलीज करें, इसको अगस्त में हमको रिलीज करना है। बैरी कंगना 2 अच्छा, अच्छा बिजनेस कर रही है। त्री साहब पांडे जी, श्रीवास्तव जी, लोगों ने फिल्म बड़ी साफ सुथरी बनाई, और थैंक गॉड ये पांडे जी आ गए हैं, ये लोगों ने, और ये अत्री साहब आ गए हैं, ये लोगों ने मेहनत की और ये फिल्म बनाई। आप लोगों को पूरा श्रेय जाता है, एक अच्छे सिनेमा आप लोगों ने सोचा, उसके लिए आप लोगों को पूरा क्रेडिट देता हूँ। हैदर पंडित बहुत अच्छे हैं, रफ़ी साहब आए हुए हमारे, ये उनका उनका थॉट है, हैदर पंडित उनकी कहानी है, और ये गंगा जमुना की तहजीब जो जो संस्कृति है ये उसको दर्शाता है कि एक कैसे ब्राह्मण का लड़का एक मुस्लिम के घर में पैदा होता है, मुस्लिम के घर में बड़ा होता है, सो उसको पालन पोषण होता है, वही बहुत कमाल का कॉन्फ्लिक्ट है, और कैसे फिर वो टेररिस्ट लोगों से लड़ने जाता है, उसमें डोकलाम भी है, उसमें चाइना जो एक पिता है जो पाकिस्तान को फंड करता है, तो चाइना को भी पकड़ा गया है इस तरह से, तो ऐसे कुछ बहुत यूनिक से थॉट्स हैं उसमें। किसमें ये सस्पेंस है, नहीं, ये सस्पेंस है। चलिए आपके मन में सवाल तो आए, और मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि ये ट्रेलर देख के आप लोगों के मन में सवाल आए, वो एक्साइटमेंट मेरे लिए ज़रूरी था कि आप लोगों के मन में सवाल आए, नहीं तो अक्सर भोजपुरी ट्रेलर या भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत में लोगों को इतना वो नहीं रहता है। मैं चाहता हूँ एक्साइटमेंट आप लोगों में भोजपुरी को लेके रहे, और हम लोग आप लोग अगर साथ देते हैं तो हम लोग अच्छा सिनेमा ज़रूर बनाएंगे, ये वादा है आप लोगों से। अब देखिएगा ना, इसमें बहुत कुछ ट्विस्ट है इस फिल्म जी। जी मैं तेलुगु फिल्में काफ़ी करता हूँ, वहाँ बहुत प्यार करते हैं लोग, वहाँ बहुत फैंस हैं मेरे, तो NTR मैं इतना लकी रहा कि NTR सर की बायोपिक बन रही है, और NTR सर की बायोपिक में हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, और मैं बालाचंद्र सर जो बालाया सर हैं उनके बेटे हैं, वो NTR का रोल कर रहे हैं। मैं रविकांत नगाई जो एक बहुत बड़े कैमरामैन थे जिन्होंने पहली बार मास्किंग शॉट लाया था इंडिया में हिंदुस्तान की स्क्रीन पे, और रामा राव जी उसके NTR जी उसके डायरेक्टर थे उस फिल्म के। 9 चेहरे थे रावण के बनाना, वो एक उनका एक डिबेट हुआ, उनकी दोस्ती थी, उन लोगों ने फिल्म की, वो UP के थे रविकांत नगायक जी, फिर उन्होंने कृष्णा सर के साथ जो महेश बाबू के फादर हैं एक बॉन्ड फिल्म बनाई, उस टाइम बॉन्ड का दौर हुआ, फिर गंग मास्टर जी ने सुरक्षा बनाई उन्होंने, तो रविकांत नगायक जी बहुत अहम मित्र थे NTR सर के, NTR सर ने उनको कैमरामैन बनाया था, और उन्होंने ईजाद किया था मास्किंग शॉट इंडियन सिनेमा में, तो इनकी मित्रता का रोल है, और मैं बड़ा लकी रहा कि इतने बड़ी फिल्म में जहाँ पे सारे साउथ के एक्टर हैं वहाँ पर मुझे और विद्या बालन जी को मौका मिला काम करने का। वो बहुत ही क्लोज पार्टी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अपनी PR टीम से बात करके कि कैसे आप लोग को न्योता दिया जाए, या कैसे आप लोग को अलग से पार्टी करवा दिया जाए, ये दोनों मुद्दे हैं, ये वादा रहा मेरा, लेकिन वो जो पार्टी हो रही है इसमें बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार, मेरे भोजपुरी के स्टार सब लोग आ रहे हैं, तो देखते हैं। नहीं, मीडिया काम नहीं बिगाड़ेगी,